क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। श्रीलंका और भारत सीरीज खत्म हो चुकी है और इस सीरीज में जिस तरह से भारतीय युवा खिलाड़ियों ने दम दिखाया वो तो काबिले तारीफ है। केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, शार्दुल ठाकुर, नवदीप सैनी, वॉशिंगटन सुंदर समेत सभी युवाओं ने पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है। अब सीरीज खत्म होने के बाद श्रीलंका के कोच तो भारतीय युवा खिलाड़ियों के आगे पूरी तरह नतमस्तक नजर आए और उन्होंने टीम इंडिया की यंग स्ट्रेंथ की जमकर तारीफ की और सबके सामने ऐलान कर दिया कि टीम इंडिया ही T20 विश्व कप खिताब की असली हकदार है। श्रीलंका के मुख्य कोच मिकी आर्थर ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीमें भारत से सीख सकती हैं, खास तौर पर श्रीलंका कि किस तरह से युवा खिलाड़ियों को निखारा जाए और महत्वपूर्ण मौकों पर उन्हें किस तरह से जिम्मेदारी दी जाए। गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, विराट कोहली के नेतृत्व में भारत ने सभी प्रारूपों के लिए मजबूत बैच स्ट्रेंथ तैयार की है, वो एकदम लाजवाब है। आर्थर ने आगे कहा, ये देखना रोचक रहा है कि भारत युवा खिलाड़ियों को आगे ला रहा है और अहम समय पे उन्हें जिम्मेदारी भी दे रहा है, ये काफी अच्छा है। इन युवा खिलाड़ियों को प्रदर्शन करते हुए देखना बहुत शानदार है। मुझे लगता है कि भारत क्रिकेट में अभी सबसे अच्छी स्थिति में है। आर्थर ने नाम लेते हुए केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, वॉशिंगटन सुंदर, नवदीप सैनी और शार्दुल ठाकुर की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, आप लोकेश राहुल जैसे खिलाड़ियों को देखिए, उसने जिस तरीके से शॉट खेले वो बेहतरीन थे, वहीं गेंदबाजों की जितनी तारीफ की जाए कम ही है। आर्थर ने तो यहाँ तक कह दिया कि टीम इंडिया में कोई कमजोर पॉइंट है ही नहीं और यही टीम T20 विश्व कप में अपनी धाक जरूर जमाएगी। अब आप श्रीलंका के कोच मिकी आर्थर की बात से कितना सहमत हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।